शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने कहा कि त्योहारों को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि त्योहारों को आपसी मेल मिलाप एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए जाए, व्यवधान डालने की कोशिश करने वालों की खैर नहीं। इस अवसर पर उन्होंने साफ सफाई, गड्ढा मुक्त सड़कें, ढीले एवं जर्जर तार पोल को ठीक करने के साथ ही अनवरत रूप से जल पूर्ति, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता ना बरती जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जबरन चंदा वसूली पूर्णतया प्रतिबंधित है। अवैध ढंग से कटिया लगाकर विद्युत कनेक्शन लेने का प्रयास ना करें और पंडाल इस प्रकार निर्मित कराएं कि ताकि आवागमन बाधित ना होने पाए। उन्होंने मूर्तियों का विसर्जन नदी में नहीं बल्कि तैयार कराए गए तालाबों में होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर संबंधित विभाग जुलूस मार्ग को गड्ढा मुक्त कर देंगे। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि डीजे और लाउडस्पीकर के ध्वनि अधिक ना हो तथा पंडाल के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 से लेकर प्रातः 6 बजे तक कतई ना किया जाए। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा, एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, प्रशासन प्रभुनाथ, एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, एसडीएम सदर गजेंद्र कुमार, सीओ कैंट प्रभात राय, गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारियों के अलावा शांति समिति के सदस्य आदिल अमीन, विकास जालान, मुर्तजा हुसैन रहमानी, सरदार बलबीर सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। तो जैसा कि मैंने अभी ये कहा कि जो प्रमुख स्थान है और 19 से 20 तक जो है समाप्ति तक जो है आप जो है उन्हीं स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिफ्ट वार जो है ये फर्स्ट एड कैंप स्थापित कराए जाएंगे और आपको ये व्यवस्था कराई जानी है। और इसके अलावा जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी स्वास्थ्य की व्यवस्था स्वास्थ्य संबंधी वार्डों को सुरक्षित रखना है या विशेषज्ञों की ड्यूटी लगाना है तो ये कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सीओ साहब के द्वारा करा ली जाए। इन्हीं जुलूस मार्ग और इन्हीं अग्निशमन विभाग से आए होंगे जिसको भी पत्र दिया कर दिया इन स्थानों पर आप जो है आएंगे। ये कुल अपेक्षा की ये 9 टैंकर लगाए जाएंगे थे आप कुल इन कुल 9 स्थानों पर आप जो है फायर टैंकर जो है उपलब्ध कराना सुनिश्चित करा दें ताकि किसी भी आकर आप व्यवस्था करा दें। यातायात के संबंध में हमारे यातायात साहब ने पूरी व्यवस्था करा ही देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी स्थानों पर बैरियर लग जाएंगे समय से तो जहाँ से हमें रूट का यातायात डाइवर्जन करना होगा तो हम उनको डाइवर्जन करा लेंगे और कुशल जो है व्यवस्था कराने में सक्षम। ये विसर्जन स्थलों पर ये वीडियो अधिकारी इनको लिखा जा चुका है तो ये सभी स्थानों से गोविंदगढ़ को विसर्जन होगा लेकिन विसर्जन मुख्यतः राजघाट पे हम बड़ी व्यवस्था करा रहे हैं। वहाँ 3 पोखरों का निर्माण कराया जाएगा जो कि नगर निगम के द्वारा कराया जाएगा और वो पिछले वर्ष की तरह ही जैसा कि विगत वर्ष 2 वर्षों से वहाँ कराया जा रहा है तो उसको नगर निगम के द्वारा करा लिया जाए, तैयार करा लिया जाए, समय से पूरा करा लिया जाए, इसमें किसी भी तरह का विलम्ब ना हो। तो अभी जैसे कि पिछले जो त्यौहार था उसमें अस्थायी पुजरे का निर्माण तो कर दिया था लेकिन ये बात निकल के आई थी कि वहाँ पानी जो है वो गंदा था जिसके संबंध में मैंने आपको बताया भी था नगर निगम को और ये कहा भी था कि पानी चेंज कराइए और ये लेकिन वो नहीं हो पाया तो ये बड़ा खेदजनक है और इस दफ़ा ऐसा ना हो। और पिछले साल भी जब ये विसर्जन का काम हुआ था तो दुर्गा प्रतिमाओं का वहाँ विसर्जन पोखरों में होता था, आप फिर वो निकलवाते भी थे, सफाई कराते भी थे, पानी लगातार आप बदलवा भी रहे थे तो इस चीज़ को नगर निगम के द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए तो विसर्जन के समय ये सारी कार्रवाई समय से अनवरत चलती रहे जब तक कि पूरा विसर्जन ना हो जाए। जैसा कि आप ना करें क्या करना है क्या नहीं करना है तो हम प्रेस में आपको दे दें। जो बलपूर्वक जो चंदा वसूली का कार्य किया जाता है इसको बजाने के लिए हमें जो
हाईकोर्ट का आर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, उनको कड़ाई से पालन करना होगा। बाकी जो एक दिन पहले ही लोग से पूछ रहे थे सर, उसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपना परिचय भी दे दें और उसके बाद जो है कोई भी समस्या मजबूत तरह का गोरख नाथ है, जाति पुलिस चल रही है। आप एक किलोमीटर खाली आप घूम कर देख लीजिए क्या हालात है वहाँ। नालियाँ कब से कम से कम दो बार कर चुके हैं, शीट लगानी। हाँ रास्ते हैं, शीट लग रहा है। हाँ वो जींस का रहता है या वो जींस का तो थोड़ा वो सेफ ज्यादा रहता है। अच्छा ये है कि मैं दो तीन साल पहले धर्मशाला में ऐसे जुड़ी हुई कोई भी नहीं था और लग गया कनेक्शन जो इंदिरा पदवी जाते होगा कोई फाट ना रहो आदमी में जो है ना तो दिक्कत हो जाएगी उसका रिश्ता बिजली विभाग को भी टेम्पररी कनेक्शन दिया था। ठीक है जी, उसको लेने में सब थोड़ी परेशानी काफी होती है। क्या है जैसे कि सुरक्षा अधिकारी से एनओसी लेने में दौड़ने के लिए या और तमाम चीजों के लिए, अगर इसके लिए एक सिंगल काउंटर की व्यवस्था सरकार की है एक सिंगल विंडो व्यवस्था कर ले जी सर, ताकि बहुत से सुरक्षा वाले कहाँ बैठते हैं जी सर। आप कहाँ बैठते हैं वैसे? ये पेडलिंगन में ऑफिस है आपका जी। वो सर पिछले साल जो था हर डिवीजन में पावर कॉर्पोरेशन के एक साथ रहते वही पेट्रोल नहीं होती है। तो अच्छी बात है, फिर वहाँ सिंगल विंडो सिस्टम करा दीजिए, वही डिवीजन में रहेंगे साथ है मेरे। सर करा सकते हैं प्राइवेट कनेक्शन के लिए बिजली बार, पिछले बार तो हुआ है सर। फॉर्म तो उपलब्ध हो जाएंगे सर, लेकिन जो बता रहे हैं पहले मैनुअल रसीदे करती थी, जेई की कार्ड देते थे। ठीक है, मैनुअल रसीदे बंद हो गए सर, तो डिवीजन या सब डिवीजन पर आना ही पड़ेगा सर। पूरे जनपद से कोने कोने से मान लीजिए तो भोला से कटनी से सर हर जगह ऑफिस है सर। क्या आपका एसडीओ ऑफिस में हो जाए? जी सर, जी सर हर जगह ऑफिस है। अच्छा, और ये विद्युत सुरक्षा का सर्टिफिकेट फिर कैसे ले पाएंगे आप? ये रहेंगे सर डिवीजन। आप हर जगह है? नहीं है नहीं, सबकी ड्यूटी लगेगी हर हर पिछले साल हर डिवीजन में थे 10 लोग। एसडीओ ऑफिस को कर लेते, लगभग एसडीओ ऑफिस हर तहसील में है। यहाँ कितने एसडीओ ऑफिस है भाई आपका? ऑनलाइन जमा करते जो रसीद जनरेट होती है वो एसडीओ ऑफिस में देना है। अच्छा, वो दे देते एसडीओ ऑफिस में विद्युत सुरक्षा से लोग बैठ रहे हैं, उस रसीद के बेसिस पे फिर वो इंस्पेक्ट करते हैं उसी पे। इस बार क्या सिस्टम है यार, ये तो थोड़ा आसानी लग रहा मुझे भी। यदि फॉर्म से जमा करके आपका टेम्पररी कनेक्शन तो मिल ही जाएगा आपको। विद्युत सुरक्षा आपको प्रोसीजर बताओ, ताकि बेसिकली आप सर्टिफिकेट होके तब ये देंगे ये सर। आप फॉर्म तो थाना में उपलब्ध करा सकते हो, उसका फॉर्मेट है जो भी जो ये सर पंडाल बनाएंगे जो उसमें इनका वो होगा वायरिंग वगैरह जो भी कुछ करेंगे, जब ये अप्लाई करेंगे तो देखेंगे अगर वो पूरा सेटिस्फैक्ट्री रहेगा या कुछ उसमें कमियां रहेंगी उसी समय इनको बताएंगे इसको ठीक करा देंगे। और फीस रसीद जनरेट होती है ना, जो रसीद देंगे सर वो पर्याप्त है। हाँ, इसके बाद जो काम करेंगे अपना पूरा डिटेल दे देंगे क्या क्या उसके अंदर।